आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखना, बहुत ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल वीडियो है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो फर्स्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही खास है। जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आपसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आपने APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना है ना सबने? हाँ, कलाम साहब ने एक बात कही थी कि इन द वेरी ओल्ड टाइम्स द वर्ल्ड वॉज ड्राइवन बाई द मसल पावर, आफ्टर दैट इट वॉज ड्राइवन बाई मनी पावर, एंड नाउ इट इज बींग ड्राइवन बाई द पावर ऑफ नॉलेज। यानी पहले शरीर की ताकत से दुनिया चलती थी, उसके बाद कुछ दिन पैसे से दुनिया चली, और अब दुनिया कैसे चलती है? ज्ञान की ताकत से चलती है। आज अमेरिका और रूस फ्रांस क्यों हमसे आगे हैं? उनकी जनसंख्या भी कम है, शायद वो मेहनती भी हमसे कम है, लेकिन वो हमसे क्यों आगे हैं? क्योंकि उनके यहां शिक्षा का जो प्रसार था वो हमसे ज्यादा हुआ, वो हमसे ज्यादा एजुकेटेड हैं। हम लोग प्राचीन काल में, हमारे यहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, लेकिन जब मध्यकाल आया तो हमने अंधविश्वासों पर ज्यादा ध्यान दिया, और जो नॉलेज था साइंस का उस पर हमने कम ध्यान दिया, इसलिए हम विश्व में पिछड़ गए। SST में आप लोग पढ़ते होंगे, 10th के बच्चे SST पढ़ते हैं, कि एक समय था जब वर्ल्ड की जो रिचेस्ट कंट्रीज थी वो रूस अमेरिका नहीं थी, वो इंडिया था और वो चाइना था। चीन और भारत विश्व के सबसे धनी देश थे, लेकिन हमने एजुकेशन पर ध्यान देना छोड़ा। उसका नतीजा ये निकला कि हम लोग गरीब हो गए, हम लोग पिछड़ गए, हम लोग कमजोर हो गए। इसलिए अगर आपको खुद को ताकतवर होना है और इस देश को ताकतवर बनाना है, तो आप लोग शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। हमारी बेटियां यहां बैठी हुई हैं, आप लोग बहुत खुश किस्मत हैं, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने इस जमाने में जन्म लिया है। जब लड़कियों को स्कूल भेजा जाता है, जब लड़कियां बराबरी के अधिकार के साथ आत्मसम्मान से जिंदगी जी सकती हैं। मैं अभी सोफे पर अकेली बैठी हुई थी, फिर उसके बाद शिफा जी आए, और फिर उसके बाद संतोष जी आए, तो हमें जगह हमारी बढ़ती गई। मैंने कहा भाई पुरुषों सिंहासन खाली करो, महिलाएं आती हैं। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, आपकी दादी नानी कितना मेहनत करती थी, सांस नहीं ले पाती थी, खुलकर घूंघट से चेहरा ढककर रखना पड़ता था, जोर से बोल नहीं पाती थी, कानाफूसी में बात करती थी, और आप कितने सम्मान के साथ अपना बैग लेकर के पूरे विश्वास से आप स्कूल आते हो। बहुत खुशकिस्मती की आपके लिए बात है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक मजबूत नारी बने, और आपसे मैं कहना चाहती हूं कि आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं आपके पेरेंट्स, आपको घर से बाहर भेजते हैं, अपने माता पिता को हमेशा अपने मन में रखिए। दूसरी चीज आप बच्चों से जो कहना चाहती हूं, आजकल क्या है, पहले तो घर में बहुत सारे बच्चे होते थे, संयुक्त परिवार होता था, चलते ही कोई सिर में थप्पड़ मार देता था, बच्चों को बुरा नहीं लगता था, टीचर्स की मार खाते रहते थे, हंसते रहते थे। आजकल एक दो बच्चे होते हैं घर में, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप लोगों को जब आपके माता पिता टोकते हैं, आपके टीचर्स टोकते हैं, आपको बुरा लगता है। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी चिंता करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। एक गाय जंगल में चल रही थी, अचानक उसने देखा एक बाघ पीछे दौड़ा, गाय भी भागी जान बचाने के लिए, सामने दलदल था, वो दलदल में थोड़ा चली, वो दलदल में फंस गई, बाघ भी पीछा करता हुआ आया, वो भी दलदल में फंस गया, लेकिन गाय से थोड़ी दूरी पर था, चल नहीं पाया। तो गाय हंसी और उसने बाघ से कहा, बाघ तू तो गया, तू मरेगा। तो बाघ ने कहा, तुम क्या हंस रही हो, तुम भी तो मरोगी दलदल में। उसने कहा, मैं नहीं मरूंगी, देखना। शाम को जब मालिक ने देखा गाय नहीं आई, वो दो चार लोगों को लेकर आया, जब देखा गाय दलदल में फंसी हुई है, वो रस्से लाया, लकड़ी लाया, और गाय को निकालकर बाहर किया। तो गाय ने बाघ को कहा, बाघ तुझे कोई नहीं निकालेगा, मैंने कहा था ना, जिसको संभालने वाले होते हैं वो दलदल में फंसकर नहीं मरता। आपके जो टीचर्स हैं, आपके टीचर्स
और आपके पेरेंट्स आपको संभालने वाले हैं। अगर आप उनकी बात मानेंगे, आप डांट के पीछे छुपी हुई उनकी चिंता को आप समझेंगे, तो आप बुराइयों के और गलतियों के दलदल में कभी नहीं फंसेंगे। इसलिए अपने माता पिता को, विशेषकर अपनी माँ का चेहरा अपने दिमाग में रखिए, अपने दिल में रखिए कि वो आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, वो आपकी कितनी चिंता करते हैं, घर पे आपका इंतजार करते हैं, आपके लिए हमेशा वो दुआएं करते हैं। आपके माता पिता जब मंदिर में जाते हैं खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, जब वो बचत करते हैं उस पैसे से खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते, वो पैसा आप लोगों पर खर्च करते हैं। उनकी इस चिंता को समझिए, अपने टीचर्स की चिंता को समझिए। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग, आपकी बुद्धि तीव्र हो, आपका मन बहुत समृद्ध हो, आपका हृदय बहुत संवेदनशील हो। आप लोग, मैं स्कूल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। टीचर से अपील करती हूँ कि व्यक्ति केवल शरीर और दिमाग नहीं होता, एक मन होता है, एक आत्मा होती है। माइंड जो है, माइंड इज शार्पन्ड बाय द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। दिमाग तो तेज होता है, लेकिन बच्चों का मन समृद्ध कीजिए, उन्हें कमजोर पर दया करना सिखाइए, उन्हें परिवार के प्रति संवेदनशील बनना सिखाइए कि वो एक अच्छे संपूर्ण नागरिक बने, जिसको कहते हैं कंप्लीट पर्सनैलिटी, वैसे बने। मैं स्कूल को, आप सब बच्चों को, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप अच्छे व्यक्तित्व बने, आप अच्छे नागरिक बने, एक मजबूत परिवार का, मजबूत देश का और एक अच्छे समाज का आप निर्माण करें। आपने बुलाया, हमें सुना, हमें सम्मान दिया, मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।